ABPS News। उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार तमाम जगह पर सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने पर तमाम जोर दे रही है, लेकिन अमरोहा जिले का जवारपुर गांव ऐसा है जहां पर ग्राम पंचायत की 8 बीघा परिसंपत्ति पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिस पर ग्राम प्रधान ने काफी कोशिश भी की, लेकिन दबंग उस पर आज भी काबिज है। ग्राम प्रधान ने बताया कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में 169 शौचालय का निर्माण तो करा दिया है, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे भी बचे हैं जिन्हें शौचालय की आवश्यकता है। पानी के नाले का निर्माण भी होना है, जिसकी लंबाई लगभग 1500 मीटर है। पंचायत घर का निर्माण गांव में होना उन्होंने जरूरी बताया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि यहां स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल की व्यवस्था तो है, लेकिन यहां पर कर्मचारी ठीक समय से नहीं आ पाते, जिसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताते चलें कि पंचायत घर के बिना ग्राम पंचायत में किसी भी विकास कार्य पर चर्चा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आता है, लेकिन सरकार तमाम ऐसे गांव में पंचायत घर देने की व्यवस्था नहीं कर रही जहां पर गांव की सरकार अपने गांव के विकास के बारे में बात कर सके। बताते चलें कि यहां पर जनसंख्या 2500 है तो वोटर संख्या लगभग 1200 है और 365 राशन कार्ड धारक भी हैं और 60 परिवार ऐसे हैं जो राशन कार्ड के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। विधवा पेंशन की अगर बात की जाए तो किसी भी लाभार्थी को यहां पर उस पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा, जबकि 25 लाभार्थी विधवा पेंशन की हकदार यहां बताई जाती हैं। वृद्धा पेंशन की बात करें तो यहां लाभार्थियों की संख्या 150 है। विकलांग पेंशन से भी 3 लोग अभी तक वंचित हैं। इसके साथ साथ प्राइमरी पाठशाला में 65 तो जूनियर हाई स्कूल में 15 छात्र ही मात्र पंजीकृत हैं। हैंडपंपों की संख्या 18 है। इस गांव को 15 और हैंडपंप जरूरी मिलने चाहिए, तो साथ साथ जो 18 हैंडपंप लगे हुए हैं उनमें से 3 हैंडपंप खराब है जिन्हें रिपोर की आवश्यकता है। मैं ग्राम प्रधान जब्बारपुर अमरोहा ब्लॉक से। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है तो वह नाले की, जो गांव की पानी की निकासी नहीं है, गंदा पानी नालियों में भरा रहता है। कोई 1500 मीटर का दूर है नदी जो पानी जा सकता, 1500 मीटर से पहले कोई पानी निकालने का कोई साधन नहीं है। 200-300 मीटर नाला बना हुआ है, वो भी आगे नाला ना होने के कारण बंद रहता, और पेंशन नहीं बनती यहाँ गाँव में, जो लोग परेशान रहते हैं। विधवा पेंशन नहीं है, समाजवादी पेंशन थी वो बंद हो गई है इस टाइम, जो आती थी उनकी भी नहीं है। और जो है शासन से कोई ऐसी मदद नहीं है जो कुछ गांव में विकास करा सके, या कोई काम ऐसा हो जाए जो लोग परेशान रहते हैं उसके लिए। राशन कार्ड बहुत कम बने हुए हैं, और गांव के अंदर जो विकलांग पेंशन थी वो भी 2-3 है, 2-3 की नहीं है, और 60 साल नहीं है, विधवा पेंशन बनी भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती इसकी। कई बार फार्म ऑनलाइन करा दिए, भर भर के दे दिए, जमा कर दिए, वो लोग घर आते हैं प्रधान के पूछने क्या हुआ हमारा, क्या हुआ हुआ हमारा। और इंदिरा आवास जो है गांव में वो बने थे कुछ टाइम पहले, 8-10, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री आवास कोई नहीं बना, कोई लाभ नहीं हुआ ऐसा गाँव में।